ताजातरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं कृतिका। जगदलपुर के सुकमा जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। सुबह के 8 बजे थे और अचानक घर वालों ने अपनी ही बेटी को फांसी में लटकते देखा। घर में और आसपास की जगह खलबली सी मच गई, जानो एक कयामत आ गई हो। ऐसी ही घटना देवी चौक पटना पारा सुकमा से है, जो आज सुबह दीपिका नाम की एक लड़की सुबह होने से पहले ही अपने घर वालों के लिए अंधेरा छोड़कर चली गई। यानी कि घर वालों को बिना कुछ बताए एक छोटे से घरेलू विवाद के लिए खुद को फांसी पर लटका लिया। मौके पर पुलिस पहुंची और जाँच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि हल्की फुल्की सी घर में आपसी विवाद हुई थी, जिसके कारण दीपिका ने अपने आप को मौत के गले लगा लिया। विवाद काफ़ी बड़ा भी नहीं था, हर घर में ऐसे विवाद होते रहते हैं। गौरतलब है कि दीपिका ने ऐसा क्यों किया, ये एक जांच का विषय है। पुलिस के बताए अनुसार पुष्टि हुई है कि सुबह 8 बजे दीपिका के छोटे भाई और दीपिका ही घर पर थे और कोई नहीं। अचानक घर वालों की नज़र दीपिका के ऊपर पड़ी तो दीपिका को फंदे पर लटका देख घर वाले घबरा गए और पुलिस को इन्फॉर्म किया। मौके पर पहुंची पुलिस और मेकौज में उपचार के लिए भर्ती करा दिया, मगर काफ़ी देर हो चुकी थी, जिसके कारण दीपिका बच नहीं पाई और उसका अस्पताल में ही मौत हो गई। प्राइम न्यूज 24 के लिए जगदलपुर से मोहम्मद अल्ताफ की रिपोर्ट। तुम्हारा नाम क्या है? सागरनाथ। तो जो खत्म हुई हो, तुम्हारी क्या लगती है? तो क्या वजह था ये सब? अरे वो सोए थे हम लोग, तो अपना रूम में सोए, तो सुबह उठ के हम लोग जाकर देखने से वो रूम में लटकी हुई मिली। तो आप लोग को कुछ पता नहीं था? नहीं पता। तो सुबह रे पता चला आप लोग को? जी सर। जो सुबह 8 बजे करीबन जो दीपिका कश्यप पिता बाबूलाल कश्यप जिनकी बेटी है सर, ये घटना का कारण क्या है सर? आज सुबह रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि एक पटनम पारा की एक लड़की है, कुमारी दीपिका नाग पिता बाबूलाल नाग, वह फांसी लगा ली थी और उसके पड़ोसी लोगों की मदद से उसको फांसी के फंदे से उतार के हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। मर कायम कर जांच किया गया। जांच के दौरान ज्ञात हुआ कि रात में इनके घर में आपसी कलह हुआ था, पारिवारिक विवाद हुआ था और संभवतः उसी पारिवारिक विवाद के कारण ही मृतिका ने सुबह फांसी लगा लिया था। और जिस समय वो फांसी लगाई थी उस समय वो मृतिका और उसका छोटा भाई, ये दो ही लोग घर में थे, बाकी सदस्य घर से बाहर थे।